वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पे इस तरीके से हाईलाइट्स कैसे लगाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो मैं इस वीडियो में आपको दो ट्रिक बताने वाला हूं इस तरीके से इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स लगाने के लिए। तो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और खास होने वाला है। तो चलते ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा अपने मोबाइल का इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ का इंटरफेस आ जाएगा, तो मैं आपको पहला ट्रिक बताने जा रहा हूँ। पहला ट्रिक ये है कि अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना है, योर स्टोरी पे जाकर, तो योर स्टोरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपके मोबाइल का वीडियो फोटो जो भी होंगे आपके यहाँ पर शो कर देंगे। तो आपको जो भी यहाँ से लगाना चाहते हो स्टोरी के लिए फोटो वीडियो वो सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से नहीं लेना चाहते हो तो बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि रील का ऑप्शन मिल रहा है, तो रील के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रील के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ आपके सामने बहुत सारे रील आ जाएंगे, तो जो भी आपको रील पसंद आ रहे हो वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड टू स्टोरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऐड टू स्टोरी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, तो लोडिंग ले लेगा, लोडिंग मिल जाएगा, तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन और आएगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये स्टोरी आपके इंस्टाग्राम पे लग जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी लगा चुका, तो मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आ गया हूँ। बैक आने के बाद बता रहा था, तो मैं बैक आ जाता हूँ और मैं अपने योर स्टोरी पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी स्टोरी लग चुका है, लगा रखा था, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पर 35 लोग ने मेरा स्टोरी देख भी लिया है। तो मैं बैक आता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईलाइट्स का ऑप्शन मिल रहा है, तो हाईलाइट पे क्लिक करना है। हाईलाइट देखिए तो आ चुका है, ऐड टू हाईलाइट है, तो हाईलाइट लगाने के लिए ये इस तरीके का आ चुका है। तो देखिए ये मेरा पुराना हाईलाइट्स वीडियो लगे हुए है, स्टोरी लगे हुए है, तो आप इसमें लगाना चाहते हो तो किसी पे भी क्लिक कर देना है, तो हाईलाइट लग जाएगा पुराने वाले में। और आप न्यू तरीके से हाईलाइट लगाना चाहते हैं न्यू, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो न्यू पे इस पे क्लिक कर देना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइटल दे देना है, टाइटल देने के बाद ऐड क्लिक कर दीजिएगा, तो ये हाईलाइट लग जाएगा। अब मैं आपको सेकेंड ट्रिक बताने जा रहा हूँ। सेकेंड ट्रिक ये है कि दोस्तों अपने मोबाइल का प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइलाइट्स दिखा रहा है, तो हाइलाइट्स दिखा रहा है, इसी के आपको बैक आना है। बैक आने के बाद न्यू वाले पर क्लिक करना है। न्यू वाले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपके जितने भी पुराने जो स्टोरी लगे होंगे यहाँ पर आपका सारा का सारा शो कर देगा। तो आप जो जो आप सिलेक्ट करके स्टोरी हाईलाइट्स में डालना चाहते हो पुराने वाले को, उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके आपसे आप बहुत सारी स्टोरी सिलेक्ट कर सकते हो, एक साथ में बहुत सारी स्टोरी लगा सकते हो, हाईलाइट्स में डाल सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एडिट कवर पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो, गैलरी से भी फ़ोटो लगा सकते हो, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो कोई भी आप फ़ोटो इस तरीके से ले सकते हो, और नहीं लेना चाहते तो कोई नहीं, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से भी इस तरीके से ले सकते हो, तो ये स्टोरी के लिए ये कवर सही है। तो डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद इसका टाइटल दे देना है, मौज लिख देता हूँ, मस्ती लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए, टाइटल दे दीजिए। टाइटल देने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए डन का ऑप्शन मिल रहा है, तो डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हाईलाइट में ऐड हो जाएगा। तो मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए मैं आपको सामने लाइव दिखा दे रहा हूँ, तो थोड़ा वेट कीजिए। तो ये देखिए मेरा हाईलाइट लग चुका है, मैं टाइटल नहीं दिया था तो हाईलाइट से लिख कर आ गया है। तो ये देखिए स्टोरी लग चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।